बड़ी खबर है जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने विवादित बयान दे दिया है। महंत ने ग्रामीणों को ठेकेदार और ड्राइवरों को पीटने की नसीहत दे दी है। महंत के विवादित बयान पर गरमाई प्रदेश की सियासत। वहीं महंत के विवादित बोल पर पीसी सचिव दीपक बैज ने विवादित बचाव किया है। आत्मरक्षा के लिए खुद सामने आना चाहिए, ऐसा दीपक बैज ने कह दिया है। प्रदेश की जनता का सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है, ऐसा दीपक बैज ने कहा है। तो आपको बता दें, एक और तो सरकार पर हमलावर होती कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही है छत्तीसगढ़ में, और दूसरी ओर ग्रामीणों को नसीहत देते नजर आ रहे हैं कि पिटाई कर दी जाए ड्राइवरों और ठेकेदारों की। इस मामले में भी मैं चाहूंगा कि हमारे गांव के लोग जागृत हों, विरोध करें, ट्रक को रोकें और ज्यादा जरूरत पड़े तो ट्रक वाले को मारें भी, जान से ना मारें, मारें जरूर, टायर पंचर करें, आठों के आठों टायर पंचर करें। ये जो ठेकेदार, जो भी ठेकेदार जिस काम के लिए आ रहा है वो अपना पैसा लेता है किसी गड्ढे में डालने के लिए, और हमारे गरीबों के किसानों के खेत में डाल के भग जाता है, सड़क में डाल के भग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये अति हो गया है। जनता क्या करेगी, किसके ऊपर भरोसा करेगी? वो पुलिस प्रशासन जो शांति कायम, गांव से लेकर प्रदेश तक शांति स्थापित करने के लिए काम करती है, अगर वही इस तरह से अगर पीट पीट कर अगर मार डालती है तो जनता किस पे भरोसा करेगी? प्रदेश की जनता का तो अपनी आत्मरक्षा के लिए अब खुद सामने आना चाहिए। इस सरकार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, कांग्रेस तो एक और सरकार पर हमलावर है, उसका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था सरकार नहीं ठीक कर पा रही है, और दूसरी ओर ग्रामीणों को खुद नसीहत भी दे रहे हैं कि लोगों की पिटाई कर दी जाए, आत्मरक्षा की बात कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, देखिए जब सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध हो तो ये सही नहीं होता है, और जैसा कि इन बयानों को देखने के बाद समझ में आ रहा है, चरणदास महंत की अगर बात की जाए तो शक्ति उनका जो है क्षेत्र है, और शक्ति की इस घटना पर उन्होंने जो है ग्रामीणों को जो है खुद से ड्राइवरों को पीटने की बात कह दी, जबकि ये चीज़ जानते हुए कि कब लिंचिंग मॉब लिंचिंग में बदल जाए और कुछ अनहोनी हो जाए ये सभी जानते हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी को कानून के मुद्दे में विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है, और इसी मुद्दे को घेरने के संदर्भ में ही ये विपक्ष भूल गया कि जो वो कह रहा है इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। चरणदास ने महंत ने तो विवादित बयान दिया था, दीपक बैज से भी जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो दीपक बैज ने भी इसे आत्मरक्षा से जोड़ दिया प्रशासन के विरुद्ध, जबकि ये बात तो ड्राइवरों के विरुद्ध कही गई थी कि ड्राइवरों को जो नौकर हैं उनको पीटो, पहिया पंक्चर करो। तो कहीं ना कहीं ये कश्मकश की स्थिति आ गई है, लेकिन ये बिल्कुल जो है ये साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये चाहे वो सियासी लिहाज से हो चाहे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिहाज से हो बिल्कुल ही सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है गरिमा के साथ जो है विरोध का स्थान है, लेकिन जब उस गरिमा के तहत जब मूल्यों से इतर होते हुए तमाम राजनीतिक दल बात करने लगते हैं तो ये विरोध अति विरोध में बदल जाता है और इसके बड़े हानिकारक परिणाम होते हैं। बहरहाल इसी के इर्द गिर्द सियासत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने की जो है, कांग्रेस को रिटेलिएट कर रही है, पलटवार कर रही है। कांग्रेस जो लगातार कानून के मुद्दे पर घेर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे इन बयानों से और जस्टिफाई कर रही है। अगर आप बात कर लीजिए, चाहे वो सूरजपुर की बात कर लीजिए या फिर बलौदा बाजार की बात कर लीजिए, बैठे बिठाए ये बयानों की बात कर लीजिए, भारतीय जनता बिल्कुल नितेश, तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस एक और तो सरकार पर हमलावर है, लेकिन दूसरी ओर बयानों से साफ पता चल रहा है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ग्रामीणों को, जिस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए, और पुलिस कर्मी और प्रशासन इसके लिए तैयार है। जिस भी कोई घटना होती है अगर ऐसी तो इसके लिए पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, यह विपक्ष को हमेशा याद रखना चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितेश।